गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और ब्लॉग को अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो सुबह के 9 बजे के अंदर मुझे मेरी बेटी को स्कूल पहुंचाना पड़ता है, उसके बाद मैं घर वापस आती हूँ। घर वापस आने के बाद ही शुरू हो जाता है मेरा घर का काम। सुबह के 5 बजे उठने के बाद मेरा अभी डबल ड्यूटी चालू हो जाता है। डबल ड्यूटी मतलब पहले तो मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए लंच बनाती थी और उनको ब्रेकफास्ट देती थी, लेकिन अभी बेटी को भी ब्रेकफास्ट खिला के और साथ में लंच भी दे के स्कूल भेजती हूँ। तो हस्बैंड को ऑफिस भेजकर बेटी को रेडी करवा के स्कूल पहुँचाने के बाद घर वापस आती हूँ और घर के कामों में लग जाती हूँ। घर एकदम फैला हुआ रहता है मेरा, क्योंकि सुबह से कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो सब कुछ एक साथ समेटना पड़ता है। अभी सिक्किम में वेदर भी बहुत खराब चल रहा है, दो चार दिन से भी ज़्यादा हो गया। इतना भारी भरकम बारिश हो रहा है कि मतलब कपड़ा सुखाना और बेटी का जो कपड़ा मैं धो रही हूँ वो सब सुखाने में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और सुबह से थोड़ा सा धूप दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी धूप तो गया, अभी तो बारिश चालू हो गई। और यहाँ पे ये जो कपड़ा रखा हुआ है ना, ये 3 दिन से सूख रहा है। 3 दिन से मतलब वॉशिंग मशीन में ड्रायर करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। पर एक फ़ायदा तो हुआ है, मेरी जो एलोवेरा का जो पौधा ये थोड़ा खिल उठा है, इसका जो पत्ते हैं थोड़ा सा और भी बड़ा बड़ा हो गया। और यहाँ बेल्कोनी में मैंने सोफा कारपेट ऊपर ही रखा था थोड़ी धूप दिखाने के लिए, लेकिन बारिशों की वजह से ये भीग ना जाए इसीलिए इसको ऊपर से हटा दिया। और अभी मैं पीऊँगी हॉर्लिक्स, वो भी दूध के साथ, तो दूध को पहले मैं गर्म कर लूँगी। नौकरी न करने वाली भारतीय महिलाओं के लिए हाउसवाइफ शब्द उचित नहीं होते। भारतीय सभ्यता में इनको गृहलक्ष्मी का नाम दिया गया है, लेकिन इन गृहलक्ष्मियों को भी थकान होती है, इनको भी आराम की जरूरत पड़ता है, इनको भी अपने लिए मी टाइम की जरूरत होता है। तो हॉर्लिक्स पीते पीते एक बात मैं आपसे शेयर करूंगी। हम लोग ये जो नए घर में आए हैं, ये जगह, घर तो बहुत बढ़िया है लेकिन जगह थोड़ी सी डरावनी है। मतलब आसपास वो क्यों, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। जगह भी दिखाऊंगी कौन सी जगह डरावनी है और क्या है उस जगह पे, किस बात के लिए डरावनी लगती है वो भी हम, और अभी तक हम लोगों ने कुछ फील किया कि नहीं किया, कुछ देखा है नहीं देखा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो मैं अपनी हर एक ब्लॉग में, हर एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करने की, इंटरेस्टिंग लाने की आप लोगों के सामने कोशिश करती रहती हूँ। आज भी कुछ ऐसा कुछ है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग कुछ होने वाला है। सो बिना स्किप किए प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट नहा के मैं बाहर आई हूँ और अभी बहुत भूख भी ज़्यादा लग रहा है, और कुछ खाने के बाद फिर से दौड़ना पड़ेगा बेटे के स्कूल में, बेटे को लेके आना है। तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो अभी खाएंगे चावल, चावल पूरा गर्म है, पूरा धोआ हुआ है। यहाँ पे है फिश करी और ये है भिंडी फ्राई, एंड लास्टली बट नॉट इन द लिस्ट ये हरी हरी मिर्च जो कि माई फेवरेट। सो पहले खा लेती हूँ। तो खाना बना तो हो गया और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, मेरी बेटी को लेने जाना है। लेकिन आसमान का हालत बहुत ही ख़राब है, यहाँ पे बारिश होता ही जा रहा है। थमने का तो कोई नामा निशान नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं कैसे जाऊँगी। लेकिन उससे पहले एक वो दिखाना चाहती हूँ, मेरा जो नया घर है, नया घर के नए नेबर्स। तो पहले बिल्डिंग दिखा देती हूँ, कौन सा है बिल्डिंग। वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा बिस्तर पे चढ़ ही जाती हूँ। और वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है,
टाटा स्काई के छतरे लगे हुए हैं, वही है उनका घर। हे दीपाली, दीपाली, हे दीपाली, बहुत ही जोर जोर से आवाज दी लेकिन सुनाई नहीं दिया उसको। लग रहा है मेम साहब कान में हेडफोन लगा के बैठी है। तो मैं भी उसके घर जाने वाली थी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरी बेटी मेरी गोदी में सोई हुई है। तो इसको मैं स्कूल से लेके आई थी और कुछ खिला दिया, उसके बाद इसको सुला दिया था। और अभी बाहर का मौसम भारी भरकम बारिश है। तो फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोलने वाली थी या फिर दिखाने वाली थी, वो अभी वक्त है वो दिखाने का। ये मेरे विंडो है और वहां पे वो जो लाल वाला दिखाई दे रहा है ना, वो है कब्रिस्तान। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। वैसे तो उस जगह पे मैं जाने वाली थी अच्छे से दिखाने के लिए कि जगह कैसा है, किस तरह से घेरा हुआ है, किस तरह से किसी को कोई मरने के बाद उनको वहाँ पे कब्र दिया गया है, वो दिखाने के लिए। लेकिन आसमा का हालत बहुत ही ख़राब है, वेदर बहुत ही ख़तरनाक बन चुकी है और वो जाने के लिए बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाना पड़ेगा। पीछे से एक रास्ता है, हमारे बिल्डिंग के पीछे से एक रास्ता है, वहाँ से घूम के वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं नहीं जा पाई, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके बता रही हूँ। ये है वो विंडो जिसके उस पार, मतलब मेरे खिड़की के बिल्कुल नीचे वो कब्रिस्तान है। और ये बात हम लोगों को पता नहीं था कि नए घर के साइड में एक कब्र भी रखा हुआ है। तो अगर इस बात को पहले से मुझे पता चलता तो शायद मैं इस घर में नहीं आती, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। शायद मेरे हस्बैंड को पता होगा। खैर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है हमारे साथ, कुछ ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, ऐसा कुछ डरावना कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, रात के टाइम में थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा बंद ही रखती हूँ, कभी इसको खोलने की कोशिश नहीं करती हूँ रात के टाइम पे। खास करके दिन में यहाँ से बहुत अच्छा सा हवा चलता रहता है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई है, मेरे गोदी में आने के लिए बहुत जिद कर रही है। नीचे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है जिसको मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी। तो ये दो चीज़ मिस हो गया, मैं नहीं दिखा पाई, तो इसीलिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा ही नसीब ख़राब है कि आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाली थी लेकिन मौसम के वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया। कुछ डरावना कुछ हुआ तो ये बात मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले तो मैंने बोला था कि आसपास में डरावनी ऐसा कुछ चीज़ है, वो इसलिए किसी किसी को कब्रिस्तान के नाम से ही डर लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला था ऐसे बात, इसीलिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ दोस्तों। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के ब्लॉग में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कॉमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोग अगर चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। और हम लोगों का एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है मॉर्निंग होदिश, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बंगाली में ब्लॉग्स आते रहते हैं और शॉर्ट्स भी, इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स आते रहते हैं। आप लोग चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट्स कर सकते हो। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक धमाकेदार ब्लॉग लेके। तब तक के लिए मैं बोलूँगी अलविदा एंड लव यू ऑल।